तो भाई सारे भाई राम राम, गुड मॉर्निंग, जय माता दी भाई, स्वागत है नई वीडियो में। आज बात करेंगे भाई, पहले 6 महीने में कितना अर्न कर लेता है स्टूडेंट बंदा जो आता है साइप्रस में, ठीक है। उनको बताएंगे भाई पूरी रियल नॉलेज, यहाँ की रियल बात बताऊँगे क्या कुछ है कमाने का प्रोसेस स्टार्टिंग का। तो भाई जैसे उनको बता दूँ, जब वो आते हैं 1 महीना तो उनका वैसे ही लगा लो, एक महीना डेढ़ भी लग जाता है इमिग्रेशन का, क्योंकि इमिग्रेशन से पहले आप काम करने बिल्कुल भी काम अलाउड नहीं होता आपको थोड़ा भी, ठीक है। अगर बाई चांस आप काम करते टाइम पकड़े गए हो इमिग्रेशन से पहले तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा चांस में डिपोर्ट होता है। जैसे कि आप इमिग्रेशन से पहले वर्क करते हो कहीं पे भी, अगर आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। अगर आपकी इमिग्रेशन हो रही है और आपको काम करते हुए पकड़ लिया तो उसका कोई इशू नहीं होता इतना, ठीक है। क्योंकि सबसे मेन होता है यहाँ पर आके आपकी आईडी आइडेंटिफाई वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी इमिग्रेशन होना, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए साइप्रस में। और स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग में आते हैं भाई, उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। ये नहीं है कि भाई एकदम से सारा कुछ मिल जाए स्टार्टिंग में। भाई मानना यार, जैसे हम आए थे यहाँ साइप्रस में तो सोचते सारे ही हैं भाई खाली रहने से बढ़िया कुछ ना कुछ कमा लें, थोड़ा बहुत आ जाएगा, काम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रहने के शुरू में आप 2000 यूरो लेके आते हो, वो आप ये समझो भाई आपके वो आपके पास चलने ही चलने हैं, वो खर्च हो जाएंगे सारे खाने पीने में रहने में। क्योंकि यार स्टार्टिंग में 1.5 महीना आपका वैसे लगा लो इमिग्रेशन का वेस्ट हो गया, उसके बाद भी आप स्टार्टिंग में कोई एक का दुक्का कोई ऐसा वैसा काम मिल गया तो आपको कर लिया आपने, नहीं तो आप काम नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ प्रोसेस है भाई स्टार्टिंग में। बाकी स्ट्रगल होता है, 6 महीने तक ओखा सोखा बंदा निकाल लेता है ना, तो 6 महीने तक अपना दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद वो अपना उसको पिंक स्लिप मिल जाती है कॉलेज की तरफ से, और फिर उसको वर्क लेटर भी दे देती है यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए इजी हो जाता है। और एक सबसे मेन बात है, जो 6 महीने के बाद लाइसेंस बन जाता है स्टूडेंट बंदे का, वो अपना आराम से इजीली उसको बहुत इजीली जॉब मिल जाती है। स्टूडेंट बंदे के लिए सिर्फ स्टार्टिंग के 5-6 महीने ही स्ट्रगल का जो मेन है, इधर उधर उसको करना पड़ता है एडजस्टमेंट, नहीं तो उसका लाइसेंस बनने के बाद तो उसको बहुत ईजीली जॉब मिल जाती है, बढ़िया से बढ़िया कहीं डिलीवरी वगैरह की मिल गई या कॉफ़ी कैफे में मिल गई। तो बहुत सारे वो है प्राइवेट डिलीवरियाँ भी करते हैं, प्राइवेट रेस्टोरेंटों की, कैफ़े की, होटल की, इनकी मतलब इनमें से ही कहीं ना कहीं मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर बंदे को उसकी उसके लाइसेंस के उस पर रखा जाता है, उसका लाइसेंस अगर उसके पास है तो वो रख लेते हैं। तो ये सब है प्रोसेस भाई स्टार्टिंग का। कहीं आप सोचो कि स्टार्टिंग में ही हम आते सर कमाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। स्टार्टिंग में आप कमाओगे नहीं भाई, अपना 2-5 महीने अपना खुद का खर्चा निकाल लो, खर्चा निकाल के अपना रहने सहने का बस ये है, इतना करते रहो इतना मिलता रहे आपको कि भाई आपको घर से ना मंगवाना पड़े दोबारा। ये शुरुआती दौर है स्टूडेंट के लिए, बड़ा ही मुश्किल दौर है अभी। जब तक बंदे के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स उसकी पिंक वगैरह नहीं आ जाती तो उसको बहुत ही मुश्किल होती है भाई काम गुम ढूंढने में। तो बाकी भाई काम ढूंढने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड होने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप ढूंढो फिरो घूमो सारा दिन। अब आप देख सकते हो घूमने फिरने में एक निकल जाता है अपना भी सारा दिन, काम घूम के उसमें काम कोई बढ़िया काम मिल जाए सही काम मिल जाए ना, तो ऐसे थोड़ा अपने आप खुद पे डिपेंड रहना पड़ता है दूसरों पे नहीं। तो ये सब है भाई यहाँ की स्ट्रगल लाइफ। और जैसे ही आपके 6 महीने पूरे होते हैं लाइसेंस बन जाता है आपका, तो भाई आपको बहुत बढ़िया अपना आराम से आप खुद का काम कर सकते हो डिलीवरी का या कोई और काम कर सकते हो, उसमें आप बढ़िया पैसा कमा सकते हो। तो कहने का पूरा मतलब है भाई, जैसे कि आप स्टार्टिंग में 6 महीने तो आप मतलब सोचो ना कि भाई हम घर पे कमा के कुछ भेजेंगे या ऐसा कुछ,
क्योंकि स्टार्टिंग में जो आप कमाते हो उसमें आपका रहने का खाने का सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद फिर आपका जो आपकी सेविंग वगैरह होती है आप उससे अपना उसको सेविंग को रखो। जब ही आपके 5-5 महीने 6 महीने हो जाए आपका लाइसेंस बन जाए तो आप एक नई स्कूटर ले सको डिलीवरी के लिए। वो आपकी पहले 6 महीने में आप काम करके सेविंग करके अपना खुद का सिस्टम बना सकते हो। तो यही सोच है भाई अपनी। तो बाकी स्टार्टिंग में बाकी कई बार ये है कि कहीं इनटेक के इस जैसे कि पीछे अब सर्दियां थी, सर्दियों में थोड़ा काम स्लो था। जिस इनटेक में आया था उस इनटेक में, उसके बाद दिसंबर मेरा पूरा ठंड में चला गया, जनवरी ठंड में चला गया, तो उसमें काम होते नहीं है भाई, कहीं पर भी काम नहीं होते पूरे साइप्रस में। और सुनने को आती है भाई कहीं पे भी काम नहीं होते, कनाडा में, अमेरिका में बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो काम कुम की कमी होती है। इसलिए मैं यही भाई यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो भी भाई अपना फरवरी के बाद के इनटेक में आता है उसके लिए इजी हो जाता है थोड़ा, उसको काम थोड़े बहुत दिहाड़ी धप्पे मिल जाते हैं, आसानी से अपना गुजारा कर लेता है बढ़िया। और स्टार्टिंग के जो स्ट्रगल के दिन हैं 5-6 महीने 5-4-5 महीने जो बंदा निकाल देना तो वो बंदा कामयाब है यहाँ पर, ठीक है। बाकी उसकी मेहनत है, 6 महीने के बाद वो अपना बढ़िया से अपना काम करेगा, ठीक है। डिलीवरी के काम में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा है, किसी भी तरह की डिलीवरी लगा लो आप, किसी आईडी से थ्रू कर रहे हो या वैसे किसी रेस्टोरेंट की, कैफ़े की वगैरह की, इनकी इस पर सही पैसे देते हैं, वो 6-7 रुपये घंटा मिल जाता है। तो अगर आपके पास खुद का व्हीकल होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, ये अपना रिक्वायरमेंट, उनके डॉक्यूमेंट्स ये जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको ये होने चाहिए, तब जाके आपको जॉब मिल जाती है। सबसे मेन तो यहाँ पर लाइसेंस है, लाइसेंस पूछते हैं जहाँ कहीं भी चले जाओ आप लाइसेंस पूछा जाता है। और भाई अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप कल से आ सकते हो, सीधा डायरेक्ट ये बोलते हैं। अब बंदा लाइसेंस नहीं है तो फिर क्या करे, क्योंकि स्टार्टिंग में जॉब ढूंढने की ज़रूरत उनको ही पड़ती है जिनके पास लाइसेंस नहीं होता। स्टार्टिंग में नए बंदे होते हैं, जो पुराना बंदा हो जाता है ना तो उसको हर एक पुराना बंदा मोस्टली जॉब पे लगा हुआ है, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा है। तो यही बताना चाह रहा था भाई, नए बंदों के लिए थोड़ा हा दिक्कत है, स्टार्टिंग में स्ट्रगल है। तो भाई अपना करे जाओ स्ट्रगल, मिल ही जाती है जॉब। तो जैसे कि अब मैं पार्ट टाइम वगैरह कर लेता हूँ तो मेरा इससे गुजारा हो रहा है, यह है कि मेरे को अब तंग होने की ज़रूरत नहीं है, पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। तो ये पुलिस वाले जान लग रहे, वैसे ये रोक सकते हैं मेरे को, लेकिन मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई जिसके मान लो स्टार्टिंग में पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है जॉब वगैरह की, जब उनका लाइसेंस वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हो जाते हैं, वर्क लेटर मिल जाता है, स्लिप मिल जाती है पिंक, तो काम गुम इजली आसान है, कोई चक्कर नहीं, काम मिल जाता है, ठीक है भाई। तो सारे भाई राम राम भाई, नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। और जिस भाई को चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो चैनल सब्सक्राइब कर लियो भाई, और साइप्रस के बारे में बढ़िया से बढ़िया नॉलेज, रियल नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस की नॉलेज आप ना मेरे चैनल पर मिलती रहोगी, ठीक है भाई। सारे भाई राम राम, दिलता राम राम, जय माता दी भाई।